इस वास्ते असं भीख मंग के जेडे सरकार का खजाना खाली है उन्होंने भरन की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट शुरू किया है कि भिख्या मंग के बूट पालिश करके जेडे कि सरकार का वित्तीय संकट है उसनु होर उपर किया जाए ता जो सानू कोई रुजगार मिल सके। सरकार दीयां माड़ियां नीतियां नू लैके पंजाब दा हर वर्ग तंग नज़र आ रहा। इस कारण पंजाब दे वख-वख हिस्सियां विच लोकां वल्लों सरकार खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे ने। बूट पालिश अते भीख मंग रहे ये लोग सचमुच भिखारी अते मोची नहीं ने, बल्कि ये ने ETT अध्यापक। जी हाँ, ETT बेरोज़गार अध्यापकों वालों सरकार दीयां मारू नीतियां खिलाफ रोस प्रदर्शन किया जा रहा। इन्हां दा कहना है कि यह भीख मंग के अते लोकां दीयां जुत्तियां पालिश करके सरकार दे खाली खजाने विच पैसा जमा कराउंगे। इन्हां वल्लों अपने सिरां ते कालियां पट्टियां भी बनियां गईयां। सरकार दा खजाना भरन वास्ते बैठे हां जी असीं, ETT टेट पास यूनियन तो हैगे हां ते पिछले वारी साडा टेट क्लीयर होया है। मैं अंग वी हैण वी हैगा ते पिछले कई सालां तो स्ट्रगल कर रहे हां। जदों भी साडी CM दे नाल सिक्ख्या मंत्री नाल मीटिंग होई उन्हां ने इवें कहा वी साडा सरकार दा जिहड़ा खजाना खाली है हुण पोस्टा कटन का कोई मतलब साढ़े को है नहीं है बजट, तो इस वास्ते असं भीख मंग के जोड़े सरकार का खजाना खाली है उन्होंने भरन की कोशिश कर रहे हैं। इन्हों वालों सरकार को धमकी भी दी गई कि जेकर आने वाले समय में 15,000 असामिया बेरोज़गार ETT अध्यापकों दिया ना भरिया गई तो इस संघर्ष को होर भी तिखा करेंगे। प्रोटेस्ट शुरू किया है कि भिख्या मंग के बूट पालिश करके जेडा कि सरकार का वित्तीय संकट है उसनों होर उपर किया जाए ता जो सानू कोई रुजगार मिल सके। आने वाले समय के अगर साड़ियां मंगा पूरियां नहीं होंदियां बठिंडा विखे वित्त विभाग जाने कि जेडे कि अपने मनप्रीत सिंह बादल जी हैगे उन्होंने बठिंडे दे विच उन्होंने कोठी नूं घेराव किया जाएगा। इस तो पहला भी सरकार खिलाफ इस तरह के अनोखे प्रदर्शन होंदे रहे ने, पर सरकार के सिर ते जूं भी नहीं सरकदी। कि इस अनोखे प्रदर्शन का फायदा इन्हां ETT बेरोज़गार अध्यापकों नूं हुंदा है जां नहीं ये वेखना लाजमी होगा। अमृतसर तो सनी सहोता, पंजाबी लोक चैनल।